अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास सेकेंड ईयर, हम लोग इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.7, जिसमें हमें कह रहा है कि एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व निकालना है हमने, अंडर द फॉलोइंग कर्व। हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कर लिया, 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आपके पास y इज इक्वल टू 5e रेज टू द पावर 5x। क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 5e रेज टू द पावर 5x, और लिमिट आपके पास गिवन है x इज इक्वल टू -3, -2 और x इज इक्वल टू 3। एरिया निकालना है हमें, हमें पता है एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व, हमारे पास ये फार्मूला है। एरिया इक्वल होता है लिमिट ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। लिमिट गिवन है, लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है और अपर लिमिट बड़ी होती है, 5e रेज टू द पावर 5x dx। इस 5 को बाहर निकालने के बजाय इसके साथ लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके पावर का डेरिवेटिव हमें चाहिए, मौजूद है 5, इंटीग्रेट करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा। अप्लाई कर दें लिमिट, यहाँ प्लस सी आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारे पास ये, तो अपर लिमिट पुट कर दें 5 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट 5 इंटू -2, ई की पावर 15 माइनस ई की पावर -10। फॉर्म में लिख दें, हम चाहें तो इसे पॉजिटिव करके भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एरिया निकालना, हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आंसर है, बुक में इसकी वैल्यू सॉल्व करके दी गई है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, ई रेस टू द पावर 15 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा। शिफ्ट दबा के आप ln वाला लॉग दबाइएगा तो ई लिखा हुआ आ जाएगा, 15 लिख दीजिए, वैल्यू दे देगा 3269017, 3269017.37 माइनस ई रेस टू द पावर -10 निकालें, शिफ्ट दबा के वही एल एन दबाएंगे, -10, इसकी वैल्यू उसने दिया है हमारे पास -0., ये दिया हुआ है आपके पास 0.000453, इसमें से ये माइनस कर दें 3269017.37 माइनस 0.000453453, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 3269, तकरीबन यही आएगा 3269017.37, बुक में ये आंसर दिया हुआ है, आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, वाई की वैल्यू दी हुई है cos 4x, cos पावर 4x, लिमिट गिवन है x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू π/4। एरिया निकालना हमने, आइए फॉर्मूला यूज करते हैं, सॉरी 0 to π/2 है, ये π/4 नहीं है, π/2 है। तो एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास है लिमिट 0 to π/2 वाई, लिमिट जी हमारे पास जनरल फार्मूला है लिमिट ए टू बी यानी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट वाई इंटू डी एक्स। तो लोअर लिमिट हमारे पास गिवन है 0, अपर लिमिट गिवन है π/2, वाई की वैल्यू है cos/4। पावर है इस पर बेस का डेरिवेटिव चाहिए नहीं है, और इवन पावर है, मैंने आपको बताया था 6.3 करवाते हुए कि अगर साइन और कॉस पर इवन पावर आ जाए तो डबल एंगल फार्मूले में ब्रेक होगा, देन वो होगा वरना नहीं होगा। 0 to π/2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का हाफ एंगल फार्मूला 1 + cos 2x / 2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर सेपरेट कर दें हम 0 to π/2
वन प्लस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 dx। इसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 4, सेपरेट कर दें इसको, सबके नीचे अलग अलग लिख दें, तो एरिया इक्वल हो जाएगा 0 to π/2, 1/4 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस cos²2x डिवाइडेड बाय 4 dx। अलग अलग कर दें सबको, dx सब पर ऑपरेट कर दें, π/2, 1/4 बाहर निकाल लें, dx 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, चले 2/4 बाहर निकालते हैं, बाद में कैंसिल कर देंगे, π/2 cos²2x, 1/4 बाहर निकाल लें, 0 to π/2 cos²2x, ये दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। इसका मतलब है दोबारा पावर आ गया, बेस का डेरिवेटिव चाहिए नहीं है, दोबारा डबल इंगल फॉर्मूला लाएगा, 0 to π/2 dx ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बचेगा, 0 to π/2 cos²2x, 0 to π/2 डबल एंगल फार्मूला, 1 plus cos 4x/2। इस 2 को नीचे, 2 को दोनों के नीचे लिखते हैं और इससे ऑपरेट कर दें अलग अलग, 0 to π/2 dx, 2 चाहिए यहाँ पे, बाद में करेंगे, पहले हम सेपरेट कर लें, ये हो जाएगा 1/8, 0 to π/2 dx, 1/2 अलग करके 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ, दोबारा cos 4x/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/8, 0 to π/2 cos 4x dx, ये दोनों सेम है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1/4 में 1/8 ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3/8 आ जाएगा, 0 to π/2 dx, ये बच गया, इस पर पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/8, 4 चाहिए, पावर नहीं है, एंगल का डेरिवेटिव चाहिए 4 नहीं है, 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, 0 to π/2 cos 4x 4 dx। आइए इंटीग्रेट करते हैं, 3/8 dx का x आ जाएगा, लिमिट दिया हुआ है 0 to π/2, ये हो गया 1/4, साइन cos का डेरिवेटिव होता है साइन, लिमिट दिया हुआ है 0 to π/2, 1/32 cos का इंटीग्रेशन साइन 4x, लिमिट दिया हुआ है हमारे पास 0 to π/2, सब पर लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 पुट कर दीजिए, अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 4 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3π/16 प्लस 1/4, ये कैंसिल होने के बाद बचेगा साइन पाई माइनस साइन 0, ये 1/32, ये कैंसिल होने के बाद बचेगा साइन 2π माइनस साइन 0, तो ये आ गया 3π/16 1/4, साइन पाई 0 और साइन 0 भी 0, साइन 2π भी 0, साइन 0 भी 0, ये दोनों 0 हो गया, ये बच गया 3π/16, ये आ गया एरिया, ये आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, यहाँ भी एरिया निकालना है, क्वेश्चन नंबर 11, y इज इक्वल टू 4/sin²x, लिमिट गिवन है x इज इक्वल टू π/6 टू x इज इक्वल टू π/4, एरिया निकालना है, हमें पता है एरिया अबव द कर्व अंडर द x, एरिया अंडर द अबव द कर्व अंडर द x एक्सिस जो है ना, फार्मूला ये है,
लिमिट ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। लिमिट गिवन है पाई बाई सिक्स, छोटी वैल्यू है, पाई बाई फोर बड़ी वैल्यू, इसका मतलब 30, इसका मतलब 45। वाई की वैल्यू गिवन है 4 ओवर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा, बेस का डेरिवेटिव चाहिए नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक का यही तो फायदा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। 1 ओवर साइन इक्वल होता है कोसेक के, 4 बाहर निकाल लें, ये आ गया पाई बाई सिक्स, ये आ गया पाई बाई फोर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, तो एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट लिमिट पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर, माइनस बाहर निकाल दें, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर, कॉट को हम कन्वर्ट कर लें टेन में, कॉट इक्वल होता है 1/10 के, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर। लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट एरिया निकालना है, माइनस फोर 1/10 पाई बाई फोर माइनस 1/10 पाई बाई सिक्स, 10π/4 इक्वल होता है 1 के, और 10π/6 10/30 इक्वल होता है 1/√3 के। 10/30 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लें, 10/30 1/√3, इसको पलट देंगे ऊपर चला जाएगा -4, ये 1 हो गया, ये हो जाएगा √3। आप इसी फॉर्म में लिखा रहने दें या माइनस ऑपरेट कर दें, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 4√3 -1, 4 बाहर ही है, सिर्फ माइनस ऑपरेट किया, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, ये आ गया एरिया, ये आंसर हुआ हमारे पास, पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, लिमिट गिवन है एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 1, एरिया निकालना है हमें, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द एक्स एक्सिस फार्मूला ये रहा, लिमिट ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। हमारे पास यहाँ वाई की वैल्यू नहीं है, निकाल लें हम वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर, और एरिया नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता, लिहाजा इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, वाई की वैल्यू आ गई, पुट कर दें यहाँ लिमिट -1/2 वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये सवाल हम लोगों ने जो है ना 6.4 में इसे हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया है, और 6.1 में क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें ये सारे सवाल गिवन थे जिसे हमने सिर्फ फार्मूले से करना था, तो यहाँ हम फार्मूला ही ऑपरेट करेंगे, उसके लिए हम कंडीशन बना लें, 6 36 6 का स्क्वायर होता है, ये हो गया कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये बनेगा, इसका फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला था हमारे पास 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक इसे ओपन करें, एरिया 1/2 वेरिएबल एक्स है, कांस्टेंट का स्क्वायर 36 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई कर दें -1/2 प्लस हाफ कांस्टेंट का स्क्वायर 36 साइन इनवर्स एक्स ओवर कांस्टेंट 6, लिमिट अप्लाई कर दें -1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, लिमिट अप्लाई करें एक्स की, मैं अपर लिमिट पहले अप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 1/2, या तो बाहर लिख लें इन दोनों के,
ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन अंडर रूट 36 माइनस वन का स्क्वायर प्लस, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस, लोअर लिमिट माइनस वन, ये आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा 18 आ जाएगा, इसे बाहर रखें। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1/6 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 36 माइनस वन, वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस माइनस प्लस 36 माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 18। साइन इनवर्स 1/6 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, इन्होंने बाकायदा सॉल्व करके दिया है आपको सारी चीज़ें। साइन इनवर्स 1/6, साइन इनवर्स 1/6, इसकी वैल्यू आ गई 9.59 माइनस साइन इनवर्स -1/6, साइन इनवर्स -1/6, साइन इनवर्स -1/6, ये आ गया -9.59, वही माइनस में आया 9.59, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 और ये हो जाएगा √35 प्लस √35, ये हो गया 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 9.59 प्लस 9.59, ये हो जाएगा 2 √35/2 प्लस 18, ये ऐड हो करके हो जाएगा 9.59 मल्टीप्लाई बाई टू, टू टाइम ऐड करना है हमने 19.18, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √35, ये आ गया 18, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तब ये रेडियन में आएगा क्योंकि ये रेडियन वैल्यू है, तो √35 प्लस 18, तो 19.18 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गई हमारे पास वैल्यू रेडियन में 0.334। √35 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा, √35 5.91, एटीन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 0.334, तो ये कैलकुलेटर वैल्यू दे रहा है आपको 6.012, इसमें ये ऐड कर देंगे प्लस 5.91, कैलकुलेटर ये वैल्यू दे रहा है 11.922, बुक में भी यही आंसर है। वैसे आप इतना सारा सॉल्व करने के बजाय इसे ऐड करके यहाँ लिख दें, अच्छा ये तो डिग्री है, इसके ऊपर डिग्री लिखना पड़ेगा, ये रेडियन है, सही है ना, हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे देन ऐड होगा, वरना ऐड नहीं होगा, ये डिग्री फॉर्म में आ जाएगा और ये इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है x² / 4 + y² / 9, एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 इक्वल टू वन, लिमिट गिवन है x इक्वल टू -1 to 1, वन एरिया निकालना है यहाँ भी, हमें पता है एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस का फॉर्मूला है लिमिट a टू b y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ से निकालते हैं हम इसकी वैल्यू x² / 4 + y² / 9 = 1, इसका एलसीएम 9 36, तो ये हो जाएगा 4y², तो ये 9x² + 4y² = 36, 4y² = 36 -9x². अच्छा यहाँ से 9 कॉमन आ रहा, बच जाएगा हमारे पास 4 -x²
और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 4 डिवाइड हो जाएगा वहाँ जाके, वाई की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट है रूट से बाहर निकालना है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर सही है। और एरिया नेवर भी नेगेटिव होता है लिहाजा इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो एरिया पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अब यहाँ पुट कर दें हम, एरिया ये है इसके इक्वल आ गया लिमिट -1 to 1, ये आ गया 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी हमने ये फार्मूला यूज़ किया है इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, 3/2 बाहर निकाल दें -1 to 1, इसे फॉर्म में लिख दें, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये रहा फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल होता है 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a² साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ये फार्मूला है इसका, अपडेट करें फार्मूला, ये 3/2 बाहर है, 1/2 x अंडर रूट एक a² माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा -1 to 1 प्लस 1/2, कांस्टेंट दिया हुआ है 2^2 साइन इनवर्स x/2, लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा -1 to 1, ये 3/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा, 3/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/4 x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट -1 to 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, जब 3/2 इस 2 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा 3 साइन इनवर्स x/2 लिमिट -1 to 1, लिमिट अप्लाई करें 3/4 अपर लिमिट 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट -1 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 अपर लिमिट साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स लोअर लिमिट माइनस साइन इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा 3/4, 4 में से 1 से मल्टीप्लाई होगा ये रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 3, ये माइनस प्लस ये भी आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 3, साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेटर एंगल दे देगा 30, वहाँ दे देगा -30, ये हो गया हमारे पास 3/4, 2 √3 और ये होगा 3 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 3√3/2 प्लस ये हो जाएगा 180, ये डिग्री में आया, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से 180 कैंसिल, 3√3/2 और ये आ जाएगा पाई। आप चाहें तो इस फॉर्म में आंसर लिख दें और चाहें तो इसको सॉल्व करके डेसिमल में ले आएँ, इसे भी डेसिमल में ले आएँ, ऐड कर दें आंसर आ जाएगा आपका, बुक वाला बुक में आंसर अगर डेसिमल में दिया हुआ है तो इसी फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन कर चुका हूँ आपके लिए तो आप बड़ी आसानी से आप कर लेंगे, मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है y² = 2x + 5, क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट गिवन है x = 1 और x = 2, 1 और 2, वही एरिया निकालना है हमें पता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द एक्स एक्सिस का फार्मूला है लिमिट a → b y (dx), लाजमी इसमें से एक पार्ट एग्जाम में आता है 1 to 2, वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वाई स्क्वायर की वैल्यू है, वाई की वैल्यू निकालना है, एरिया नेवर भी नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, पुट
पुट कर दें वहाँ, तो एरिया इक्वल है लिमिट 2, 1 to 2, वाई की वैल्यू आ गई 2x + 5 dx। इसे हम पावर फॉर्म में लिख दें, रूट में है पावर 1 बाई 2। बेस का डेरिवेटिव चाहिए, 2 चाहिए, 5 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 2 नहीं है हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, 1 to 2, 2x + 5 पावर 1 बाई 2, 2 dx डेरिवेटिव आ गया। इंटीग्रेट करें तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, 1 बाई 2 में 1 ऐड करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे, और लिमिट गिवन है 1 into 2, ये हो जाएगा 2x + 5 की पावर 3 बाई 2, ये भी हो जाएगा 3 बाई 2, लिमिट 1 into 2, इसको पलट दें तो ये हो जाएगा 2 बाई 3, 2x + 5 की पावर 3 बाई 2, लिमिट 1 into 2, 2 से 2, लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट 2 है +5 3/2, माइनस लोअर लिमिट 1 है +5 3/2, 4 + 5 9 की पावर 3/2, और 2 + 5 7 की पावर 3/2। अब ये सॉल्व, ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, ये नहीं सॉल्व होगा, मैं बस थोड़ा सा ही सॉल्व कर रहा हूँ, 3 की पावर 2 3/2, इससे ये कैंसिल, -7 की पावर 3/2, 1/3, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 होल पावर 1/2, सही है, होल पावर 1/2 है, यानी रूट के अंदर 7 3 टाइम है, तो हमारे पास अगर हम निकालें बाहर इसे तो 1 7 बाहर आ जाएगा, इसे 7√7 लिख देंगे, यानी 7 की पावर 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, रूट के अंदर पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया, और ये 7 7 कॉमन आ रहा, 7 कॉमन नहीं आ रहा, 7 के टेबल में 27 नहीं आता, हम इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। अगर डेसिमल में आंसर है तो वही करना होगा आपको, 7 को √7 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें से माइनस करके 3 से डिवाइड करके एक पर्टिकुलर आंसर ले आएंगे, आंसर हो जाएगा, सही है, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसे इसी तरह। पार्ट नंबर 15 दिया हुआ, y² = 10^4x। क्वेश्चन नंबर 15, y² = 10^4x, लिमिट गिवन है x = π/6 और x = π/4। π/4 एरिया निकालना है, हमें पता है एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व का फॉर्मूला है लिमिट a to b y into dx। मेरे पास y² की वैल्यू है, y की नहीं है, y की वैल्यू निकालेंगे ±√10^4x, ये रूट से बाहर आने के बाद 10² हो जाएगा, और वही बात, एरिया नेवर बी नेगेटिव, तो पॉजिटिव ले लेंगे इसे, y = 10^2x, तो एरिया निकालने का फार्मूला है लिमिट π/6 2π/4, वाई की वैल्यू आ गई 10² x dx, ये हम लोगों ने किया हुआ है, 10² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है क्योंकि इस पर पावर है, बेस का डेरिवेटिव चाहिए, तो 10² आ गया तो हम उसे सेक में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, π/6 π/4, इसे हम लिख देंगे sec²x − 1 dx, दोनों पर ऑपरेट कर रहे हैं, π/6 π/4 sec²x dx − π/6 π/4 dx, ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मौजूद है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस, और इसका हो जाएगा π/6 π/4, लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अपर लिमिट 10π/4 − 10π/6 − π/4 − π/6,
टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन, और टेन पाई बाई सिक्स की वैल्यू होती है रूट थ्री, वन ओवर रूट थ्री, सॉरी 30 है ये। इसका एलसीएम ले लें, 12 एलसीएम आ जाएगा इसका, 4 3 ज़ार 12 और 6 2 ज़ार 12। इसका एलसीएम ले लें रूट थ्री, ये आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन, और माइनस ये आ जाएगा पाई बाई 12। बस इसी फॉर्म में आंसर लिख देंगे। अगर पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है तो वही रूट थ्री में से वन माइनस कीजिए, फिर रूट थ्री की जो वैल्यू है 1.731 उससे डिवाइड कर दीजिए, पाई की वैल्यू पुट कर दें 3.142, 12 से डिवाइड करें और सॉल्व करके आंसर लिख लें, वरना यहाँ तक भी आंसर लिख देंगे तो सही है। क्वेश्चन नंबर 15 था ये लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह एक्सरसाइज 6.7 कंप्लीट हो गई। ठीक है, मैंने आपके लिए 6.1, 2, 3 लाइन से सारे कर दिए हैं आपको, यानी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने आपके लिए चैप्टर जो सॉल्व किए चैप्टर 2 से मैंने स्टार्ट किया था, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट, 7 नहीं किया मैंने, 8 सॉल्व किया, 9 सॉल्व किया, 10 सॉल्व किया, 11 सॉल्व किया, एक चैप्टर नंबर 12 पे आऊँगा मैं आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।